साथ सारे हो जाएंगे ना, एक साथ सारे फिनिश हो जाएंगे ना इसमें। यू वांट इंडिविजुअल? Yes, it's a new beginning. I think it's a new beginning for us also because ये एक अलग different genre है जहाँ पे हम लोग भी अपनी शुरुआत करने वाले हैं, तो बहुत excited भी हैं और बहुत मज़ा भी आ रहा है definitely. हाँ, मेरा एक बिन बुलाए मेहमान सीज़न टू करके एक सीरीज़ है जो कि लॉन्च हो रहा है आज यहाँ पे. सो आज उसका टीज़र रिलीज़ होने वाला है. सो ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम मैं डिजिटल मीडियम पे काम कर रहा हूँ. सो देखते हैं, एंड आई थिंक फर्स्ट अवार्ड्स भी है, सो एक नया एक्सपीरियंस होगा. कौन कौन नॉमिनेटेड है अभी ये भी नहीं पता है, अभी अंदर जा करके पता चलेगा. आप किसी का नाम बताइए तो मैं डेफिनेटली सोचूंगा. सो मेनी यू नो वेब सीरीज के बारे में बात करेंगे. द एज बहुत फेमस रहा है, विवेक विवेक होता है, बहुत से और अदर आर्टिस्ट हैं और बहुत वेब सीरीज वगैरह बहुत फेमस हो रही है. ऐसी बहुत सारी स्मॉल स्मॉल अगर बोले तो छवि जिनका शो यश ने अभी किया है, मैं डेफिनेटली चाहूंगी वो अवार्ड जीते बिकॉज उनके बहुत सारे शोज बहुत सारे उनके सीरीज आ चुके हैं तो उनको देखना चाहूँगी. अदिति मेरी फ्रेंड है, वो बहुत सारा कर चुकी है, कबूल है मैं मेरे साथ में थी, उसे वो देखना चाहूँगी. मेहमान ही है. हाँ, तो बिन बुलाए मेहमान हमारी ज़िंदगी में होता है ना, हमारी ज़िंदगी में, आम ज़िंदगी में अभी भी कैसे हो रहा है कि इतने सारे मेहमान बिना बुलाए आए जा रहे हैं. सो वैसे ही हमारे इस शो में भी जो हमारा सीरीज़ है उसमें ऐसा ही कुछ होता है कि एक कपल है और उनके ज़िंदगी में एक अचानक से बिन बुलाए मेहमान पहुंच जाता है, तो अब कैसे कैसे क्या क्या यू नो जो स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी होती है. वैसे भी मेहमान सिर्फ एक दिया दो दिन ही अच्छा लगता है, ज़्यादा दिन रुकता है तो वो मेहमान ही. ये मेहमान कुछ लंबे टाइम के लिए आता है, तो इसके लिए लुक के लिए तो आम्रपाली एज़ यूजुअल बहुत खूबसूरत लग रही हैं, एंड जैसा कि ये क्लेम कर रही हैं तो शायद ये कलर और ये साड़ी मैंने चूज़ की है. मतलब आज मैंने जो कपड़े पहने हैं या मैंने जो लुक डिज़ाइन किया है वो डिज़ाइन बाय यश, तो आप तो सोच ही सकते हैं जब हस्बैंड डिज़ाइन करें तो आप कितने खूबसूरत लगेंगे. डिज़ाइनर. थैंक यू. थैंक यू.